पॉकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके बड़ा आंदोलन रहा था कुछ समय पहले, उसको अभी तक बिल को लागू नहीं किया, उस एक्ट को लागू नहीं किया। तो हमारी यही अपेक्षा है, एक तो उस एक्ट को लागू कराया जाए जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी द्वारा, सेकंड जो जिला बार एसोसिएशन ने। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। जिला बार एसोसिएशन के जो चुनाव है वो 8 दिसंबर को होने जा रहे हैं। ये जो चुनाव है ये राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा और राजस्थान बार काउंसिल द्वारा जो घोषित की गई है उसके द्वारा होए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बार काउंसिल ने संपूर्ण राजस्थान भर में दिसंबर का जो फ्राइडे है उस पर चुनाव के लिए, हर साल चुनाव होंगे इसके तहत ही इस बार चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में हमारी यही अपेक्षा है जो भी कार्यकारिणी रहे वो कार्यकारिणी, एक तो सबसे बड़ा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बड़ा आंदोलन रहा था कुछ समय पहले, उसको अभी तक बिल को लागू नहीं किया, उस एक्ट को लागू नहीं किया। तो हमारी यही अपेक्षा है, एक तो उस एक्ट को लागू कराया जाए जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी द्वारा, सेकंड जो जिला बार एसोसिएशन ने कई वर्षों से एक मांग रखी है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ अजमेर में स्थापित हो, उस पीठ को स्थापित करने के लिए जो भी कार्य किए जाए वो जो भी नई कार्यकारिणी है वो उस कार्य को किए रहे, ये हमारी एक अपेक्षा है। और वर्तमान में जो युवा जिस अकॉर्डिंग लड़ रहे हैं चुनाव, तो लग रहा है कि एक जिला बार एसोसिएशन में भी युवा कार्यकारिणी स्थापित होगी और नए आयाम लाएगी। क्या मानते हो कि डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए? बिल्कुल, एक मेडिकल चेकअप के लिए डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ अजमेर में 53 से 54 न्यायालय है, जो कई न्यायालय है वो रेंट की बिल्डिंगों में चल रहे हैं, तो उन न्यायालयों को भी यहाँ पे जो नया न्यायालय है उसमें स्थापित करना चाहिए। और जो न्यायालय है वो उस नया न्यायालय संयोग्यता नगर में बन रहा, उसका काम कहीं ना कहीं धीमी गति से, उस काम को भी तेज गति से हो, और एडवोकेटों के जो चैम्बर हैं उन चैम्बर्स में भी बढ़ोतरी हो, जिससे सारे एडवोकेट हैं वो स्थायी रूप से रह सकें, बैठ सकें उसमें। डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू, एडवोकेट। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, बार एसोसिएशन के चुनावों को अधिवक्तागण उत्साह के रूप में ले रहे हैं, उत्सव के रूप में ले रहे हैं। आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और कार्यकारिणी ने आपस में सामंजस्य बैठाते हुए, तालमेल बैठाते हुए, और रामाकिशन जी ने अपना विड्रॉ किया, दो फॉर्म रिजेक्ट हुए, इस तरह से उन्होंने जो है कार्यकारिणी निर्विरोध जो है चुनकर आई है। ये आपसी भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इन चुनावों के माध्यम से हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। वर्कलोड के दौरान वकील एक दूसरे से परिचित नहीं होते, लेकिन ये अवसर है कि हम घर घर जाकर एक दूसरे को पहचानना, करना, मिलना जुलना ये रहता है। 8 दिसंबर के दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरियन, जॉइंट सेक्रेटरी के 20 प्रत्याशी अब मैदान में हैं, जिनके बीच 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न होगा। प्रातः 9 बजे चुनाव मतदान शुरू होगा, जो सायंकाल 5 बजे तक चलने वाला है। 1645 मतदाताओं की सूची है जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चुनाव में अधिवक्तागण की जो समस्या है उनको समाधान को लेकर युवा वर्ग जो सामने आया है उभर कर, सभी पदों पर यदि हम दृष्टि डालें तो युवा इस बार काफ़ी उत्साह में है, और निश्चित रूप से युवाओं की टीम बनकर आने वाली है जो वकील समुदाय के हित में काम करेगी। चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए चुनाव समिति ने अपनी कमर कस ली है। बहुत ही कम समय में, अल्प समय में, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव संपन्न करवाने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। चुनाव निष्पक्ष होंगे और अच्छे लोग चयनित होकर आएंगे, इसकी मैं बताता हूँ। शशि प्रकाश, मुख्य चुनाव अधिकारी, बार एसोसिएशन, अजमेर।